नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। मिशन 80 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। लखनऊ में 11 जनवरी को बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की योजना तैयार इस बैठक में की जाएगी और भूपेंद्र चौधरी महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 400 पार के नारे के साथ बीजेपी अपनी योजना यहां पर बना रही है। आपको बताते चले कि यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो लखनऊ में 11 जनवरी को बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक की जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसके, मिशन 80 का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है और साथ ही अब रणनीति भी बनाई जा रही है कि कैसे मिशन 80 का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में है। चाहे बीजेपी के मोर्चे हो, चाहे बीजेपी के प्रकोष्ठ हो, आरएसएस हो या जो उसके आनुषांगिक संगठन है, सभी को इस अभियान में लगाया गया है। आरएसएस भी लगातार बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल भी बड़ी बैठक हुई थी जिसमें संघ संगठन और सरकार के लोग मौजूद थे और 11 तारीख को बड़ी बैठक के पीछे वजह यही है कि जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, जो नेताओं की नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए, दूसरे दलों के जो अच्छे नेता हैं उनको पार्टी के साथ कैसे लाया जाए, उनको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी। ये बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो कि 11 तारीख की इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर यह कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति हो, सरकार उसमें क्या कुछ सहयोग कर सकती है, इन बहुत सारे विषयों पर मंथन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का नारा लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे उन चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसे बैठाया जा सकता है, वो नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, लंबे वक्त तक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लगातार अपनी जो सेवाएं हैं वो देते रहे, उनको सरकार में अलग अलग जो आयोग हैं, निगम हैं, उनमें कहां पर समायोजित किया जाए ताकि जब 2024 का चुनाव आए तो वो पार्टी के लिए जी जान से जुटे। सीधे तौर पर ये देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की क्या कुछ इस चुनाव में भूमिका होने वाली है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये मंथन बैठक होगी जिसमें इन सभी चीजों को लेकर रणनीतियां तय होंगी। खास तौर पर जब जनवरी खत्म होगी, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बाद फरवरी से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं के कार्यक्रम लगेंगे, उनकी रैलियां शुरू होंगी, उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवास होंगे, तो उनको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, कहां पर ये रैलियां कराई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों तक अपनी रीच को बढ़ाया जाए, वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी पहले बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है उनको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, खास तौर पर जो विपक्ष के गढ़ हैं वहां पर कैसे सेंधमारी की जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर यह मंथन बैठक होगी और इसमें यह सारी चीजें तय होंगी ताकि बीजेपी उसी के आधार पर आगे बढ़ सके और अपनी जो अभियान है उसका 80 में 80 सीटों का, उस अभियान को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, देखिए 80 का लक्ष्य तो बीजेपी ने यहां रखा है कि 80 पर जीत हासिल करनी। अगर विपक्ष की बात करते हैं इसके, तो विपक्ष की ओर से लक्ष्य भी यह रखा है कि बीजेपी को 80 सीटों पर हराना है। तो बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम आगे रखेगी, क्योंकि विपक्ष अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अन्य दल है वो एक साथ लोकसभा के चुनाव में मैदान में होंगे, तो ये तो आने वाला सब वक्त बताएगा। लेकिन अगर एनडीए की बात करते हैं, हम एनडीए में कई ऐसे घटक दल है जो कि बीजेपी के साथ है। अगर अब ओपी राजभर की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चाएं रही, वो भी फिलहाल अभी संशय बना हुआ है। तो कैसे बीजेपी इन दलों के साथ सामंजस्य बैठा पाएगी, क्योंकि ओपी राजभर लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कई सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो जो जो कि डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी है, वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और उम्मीद है जल्द ही उनको सरकार में शामिल कर 2024 के चुनाव के अभियान में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। तीसरी पार्टी है अपना दल एस, जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 से लगातार चुनाव लड़ रही है। वो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो सीधे तौर पर जहां विपक्ष में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी जैसे दल हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई दल लगातार लगे हुए हैं। सीधे तौर पर एक कोशिश भी इसके जरिए से होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कहां एडजस्ट करे, कैसे उनको सीटें दी जाए, कहां कहां पर उनके प्रचार के जरिए पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। ये बहुत सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर मंथन होगा और ये मंथन ही बैठक है जिस बैठक के जरिए बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी, उस रणनीति पर फिर आगे बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी हमेशा से जानी जाती है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। तो कुछ इसी तरीके की रणनीति 2024 को लेकर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी बैठक करने जा रही, जिस बैठक के जरिए आगे के अभियान तय होंगे, आगे के कार्यक्रम तय होंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेगी, विपक्ष को जवाब देने की रणनीति क्या होगी, उनके गढ़ में किस तरीके से बेहतर परफॉर्म किया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं एक मंथन बैठक के जरिए आगे के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।